नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। आज के जनसदन का मुद्दा है 3 मई तक बड़ा लॉकडाउन और होंगे कड़े नियम। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। पंडित शशिकांत दुबे जी, पंडित जी, आई टीवी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। आज अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसका लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि 21 दिन की थी, अब 19 दिन और इसको एक्सटेंड किया गया है। टोटल मिला के लगभग 40 दिन हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 मई को भी बढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि 1 मई को दिवस हो जाता है, 2 मई को सैटरडे हो जाता है, 3 को संडे हो जाता है, ताकि छुट्टी का दिन था। अगर सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जनरेशन जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके के केसेस निकल के आ रहे हैं ये कम होंगे, इनकी संख्या घटेगी, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 24 घंटे में कई सारे केस निकल के आ गए हैं। इसलिए एक सख्त कदम उठा के प्रधानमंत्री जी को सख्त कदम उठाना पड़ा। अगर हम अमेरिका या ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में 1355 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका की भी अगर हम बात करें, अमेरिका में भी करीब करीब 23,000, एक बहुत बड़ा जो नुकसान इस वक्त अमेरिका को हुआ है, वहां पे इतने लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका की हम बात करते हैं, यूएसए की, उसमें दोहरी मार इसलिए भी हुई है कि तूफान जो वहां पे कल रात को आया उसमें भी करीब करीब 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर हम अपने भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सबसे कम मामले जो हैं वो संक्रमण के चंडीगढ़ में है, 21 मामले हैं, उसके बाद झारखंड में 24 हैं, और सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है 1510 मामले, और उससे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, 2334 मामले इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर है। अगर हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये फैलता चला जाएगा। सबसे पहले पंडित जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। शशिकांत जी, मेरी आवाज को आप सुन रहे होंगे, शशिकांत दुबे जी, अगर हम वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु, अगर हम बात करते हैं, वायरस का एक समूह है जो स्तनधारी पक्षी होते हैं, इनमें एक रोग उत्पन्न होता है और आरएनए वायरस होता है, इसके कारण मानव जो होता है उसको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जिससे इसके लक्षण पहचाने जाते हैं, सर्दी, जुकाम, हल्का सा बुखार इसमें होने लगता है। गाय में खासकर ये पाया जाता है, जबकि इसके कारण मुर्गियों का जो ऊपरी सांस तंत्र होता है उस पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए बड़ी तकलीफ का विषय है कि कोई भी टीका या वैक्सीन या विषाणुरोधी एंटीवायरस अभी तक उपलब्ध नहीं है। पंडित शशिकांत दुबे जी आपके पास आना चाहेंगे, जो वायरस जिस तरीके से फैल रहा है कोरोना वायरस, इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया। पंडित शशिकांत दुबे जी, पंडित शशिकांत दुबे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, इसके जो लक्षण है जैसे निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, बुखार हो गया, इसमें इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। अगर हम चीन के वुहान शहर में उत्पन्न होने वाले 2019 के नोवल कोरोना वायरस, इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण भी है, जिसका संक्रमण सन 2019 से 20 के बीच में तेजी से उभरकर निकल के आया और फैलता चला गया। पंडित जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, शशिकांत दुबे जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी? अगर हम WHO की बात करते हैं तो उन्होंने इसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसका नाम COVID-19 रखा है। 205 देशों में से 160 देशों में इसका इफेक्ट देखा गया है। पंडित जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इसमें। पंडित शशिकांत दुबे जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही थी, बीच बीच में कुछ आवाज कम आ रही थी श्रीमान जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है, यह फैसला काबिले तारीफ है। मैं इनके फैसले का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, यह ऐसा शत्रु है, अज्ञात शत्रु जो हमारी इस भारत भूमि पे आया हुआ है, पड़ोसी देश चीन से आकर के हमारे भारतवर्ष के नर नारियों के ऊपर अपना कहर बरपा रहा है। तो मित्रवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई औषधि नहीं मिल पाई है। बड़े बड़े विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने घुटने टेक दिए हैं इसके सामने। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी
बात यह है कि हम आप सावधानी बरतें और सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। विशेष रूप से एक बात और मैं कहना चाहूंगा माननीय कि हम आप लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने घरों में बैठे रहें, शासन प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरतें। चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं और उनका मनोबल बढ़ाएं, हम लोग सहयोग करें। नगर निगम इत्यादि के जो सफाई कर्मचारी इत्यादि कार्य कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ाएं। किसी भी प्रकार के अराजक तत्व यदि हमारे आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं तो उन अराजक तत्वों का चिन्हीकरण करके तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में प्रवेश न होने दें, जिससे कि हम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन का निर्णय लिया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उसका लोगों ने पालन किया था, यदि सभी संप्रदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग नियमता इसका पालन करते तो आज इतनी मौतें और इतने कोरोना के पॉजिटिव केसेस हमारे हिंदुस्तान में न आते। जो दिल्ली वाली घटना आदरणीय हुई तो इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगा। और इस प्रकार की यदि घटना न होती तो हमारे देश के कोने कोने में कोरोना के मरीज न पाए जाते। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग सख्ती से इस नियम का पालन करें और शत्रु को कभी भी कमजोर न समझें। ये छोटा सा शत्रु जो है अदृश्य शत्रु है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। मित्रवर, मैं यही कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल आईटीवी हिंदुस्तान टीवी चैनल को आज देश विदेश में अनेकों जगह देखा जा रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि शत्रु कितना भी छोटा क्यों न हो, कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसको हमेशा अपने से मजबूत मानना चाहिए। तो शत्रु को परास्त करने के लिए, इस कोरोना नामक शत्रु को हराने के लिए, इस महामारी की जंग में विजय प्राप्त करने के लिए हमको आपको अपने अपने घरों में रह करके इसको हराना होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। देखिए, जब हमारा शरीर रहेगा हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, हमसे हमारा समाज है, समाज से हमारा राज्य है, राज्य से फिर राष्ट्र है। राष्ट्र देवो भव की भावना से राष्ट्र आराधन करें, घर में बैठे रहें हम लोग और ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा मित्रवर कि अपने अपने घरों में बैठ करके, जब बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय घुटने टेक चुके हैं, शरणागत हो गए हैं, स्पेन इत्यादि में ओम नाम का उच्चारण हो रहा है, भगवान की शरणागति में लोग जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप इस कोरोना नामक वायरस से बचाएं, तो मेरा यही सबसे निवेदन है संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों से, करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि आप लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करें, घरों से बाहर न निकलें। मित्रवर, जिंदगी की यह एक ऐसी रेस है कि इस रेस में जो नहीं भागेगा वही विजयी होगा, जो नहीं दौड़ेगा वही विजयी होगा। और इस जंग में, इस युद्ध में बाहर निकल करके युद्ध कौशल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने घरों में बंद रह करके ही इस युद्ध में विजयी होया जा सकता है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, एक दृष्टांत देना चाहूंगा आपकी टीवी चैनल के माध्यम से, पूरी जनता को एक संदेश देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े विशालकाय जंगल में आग लगी और उस जंगल में बहुत ही विशालकाय जानवर रहते थे। जब आग लगी जंगल धू धू करके जलने लगा तो सब बड़े बड़े जानवर अपना कला कौशल दिखाने लगे, यत्र तत्र भागने लगे, किंतु उसी जंगल में
एक छोटा सा चूहा रहता था और चूहा बिल बना के रहता था। उसने क्या किया, चूहे ने अपने बिल में जाकर के दुबक करके अपना आश्रय ले लिया, बिल में बैठ गया, घुस करके अपने घर से बाहर नहीं निकला। अंत में जंगल की आग समाप्त हो गई, सारे जानवर जल मरे, यत्र तत्र दौड़ रहे थे किंतु वह चूहा बच गया। तो इस समय जो जो अपने अपने बिलों में बैठे रहेंगे, घुस करके अपने घरों में रहेंगे, वही इस जंग को जीत पाएंगे। आदरणीय काला जी, बिल्कुल पंडित शशिकांत दुबे जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर उस उदाहरण में आप तक मेरी आवाज आ रही होगी शशिकांत दुबे जी? जी जी जी। हाँ, अगर हम इस कोरोना वायरस की बात करते हैं, अगर और देशों की भी हम बात करते हैं, करीब अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो करीब करीब 11,340 मौतें वहां हुई हैं, और स्पेन की अगर हम बात कर जाते हैं तो 17,756 मौतें वहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर 23,000 मौतें वहां हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसका जो महामारी फैल चुकी है, इससे कहीं ना कहीं सावधान रहने की हमको जरूरत है, प्रोटेक्शन लेने की इसमें जरूरत है। इंडिया में अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, इस भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो 5,000 से लगभग 10,000 के लोग इसके संक्रमण में आ गए 6 दिन के अंदर, मात्र 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में। अगर आप उठा के देखें हम पंडित जी, तो 8 अप्रैल 2020 में 5,194 मामले थे, जो 14 अप्रैल 2020 को 10,363 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो चिंता का विषय है, इसलिए लॉकडाउन जो है 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक बढ़ाया गया है। भारतवर्ष के अंदर लगभग 339 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि 1,036 लोग इसमें ठीक भी हुए हैं। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि लॉकडाउन का पास जिनका 14 अप्रैल तक था उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उनका पास ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके लिए भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, जिनको भी व्हीकल पास दिए गए थे। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO ने तारीफ की है भारत के, जो ये ड्यूरेशन लॉकडाउन का बढ़ाया गया है इसकी तारीफ की गई है। दिल्ली के अंदर एक संघ वालों ने एक उत्कर्ष ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें करीब करीब 124 लोग बैठे हुए हैं, जो 24x7 यानी 24 घंटे वहां पर लोगों की मदद के लिए तैयार है। पंडित जी, अगर हम कोरोना की बात करते हैं, कल आरएनए युक्त जीनोम पाया जाता है कोरोना वायरस के। जीनोम का आकार लगभग, जो मेरी जानकारी है, 27 से 34 किलो बेस तक का होता है। इसका अगर हम आकार की बात कर लेते हैं, और लैटिन भाषा में इसको जनरली हम लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है मुकुट, जैसे कहते हैं ना कि किसी के सर पे मुकुट रखा रहता है, जैसे आपके सर पे पगड़ी रखी हुई, तो लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब मुकुट हो गया। और ये कई कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मुकुट के आकार जैसा होता है। या हम बात करते हैं कि इसका नाम, जैसे हम कहते हैं कि सूरज और चंद्रमा, जब कहते हैं ना सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती प्रतीत होती है, उसको भी हम कोरोना कहते हैं। तो कोरोना के मतलब ये है, और अगर इस चीज से हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बहुत बड़ा खतरा स्वागत किया है। पंडित जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि भाई एक जंगल में केवल एक चूहा था जो बिल के अंदर रहा, बाकी जानवर बाहर जो रह गए वो मर गए। आदमी इसको ऐसे भी कह सकते थे कि एक घर के अंदर एक शेर रहा, क्योंकि शायद लोग उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ये घर के अंदर या एक गुफा के अंदर शेर रहा तो वो जीवित बच गया, बाकी सारे प्राणी मारे गए, जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की, जिन्होंने इसकी चिंता नहीं की। आपकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से इसका चिंतन या मंथन करेंगे पंडित शशिकांत दुबे जी? देखिए आदरणीय डॉक्टर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन जो 3 मई तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस लॉकडाउन को तो मैं कहूंगा 30 मई तक कर दें, क्योंकि जितना ही लॉकडाउन का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, उस कोरोना को नए ऐसे शरीर नहीं मिलेंगे कि एक दूसरे से जो है वह पनप करके आगे बढ़े। हम आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है संपर्क में आएंगे, संक्रमण होगा और कैरियर का काम करेंगे, है कि नहीं? मुख्य रूप से जब उसको कोई कैरियर नहीं मिलेगा, कोई ढोने वाला नहीं मिलेगा कोरोना नामक वायरस को, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कोई साधन पहुंचने का उसे नहीं मिलेगा, तो वो फैलेगा नहीं, लोग संक्रमित नहीं होंगे। तो मुख्य रूप से इसमें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है ये काबिले तारीफ है,
और मैं कहना चाहूंगा 3 मई, इसको 30 मई तक करें। क्यों करें इसका मैं आपको उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। देखिए लोग उबते जरूर हैं घर में, कैसे कैद रहे घर में, जो है अमुक अमुक बातें। मित्रों मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे देशवासियों, एक धर्म गुरु होने के नाते, एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि आप जो है घर में कैद रहना बहुत बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में कैद हो जाएं। और हॉस्पिटल में कैद हो जाने जाना तक सीमित है कि आप जो है किसी फोटो फ्रेम में कैद हो जाएं। तो फोटो फ्रेम में कैद होने से अच्छा है कि आप अपने घर में ही कैद रहिए। और फोटो फ्रेम में यदि कैद हो जाएंगे मित्रों तो हिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति न आवे कि आने वाले 2 महीने के बाद आपकी फोटो को अगरबत्ती दिखाना पड़े। तो अपने अपने घरों में बंद रहिए। रही बात रोजी रोजगार की, व्यापार की, घर द्वार मकान की, चाहे वो जिस क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे जो है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र से पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से जुड़े हुए लोग हो, जब तक ये जीवन है हमारा तभी तक हमारे लिए संसार है, और जीवन समाप्त होते ही संसार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हमको जब विपत्ति का क्षण आया तो युधिष्ठिर जैसे वीर पुरुष को और अर्जुन जैसे गांडीवधारी वीर पुरुष को बृहन्नला बन करके नर्तकी का कार्य करना पड़ा राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष के अज्ञातवास में। जब संकट की घड़ी आई तो पंच कन्याओं में एक कही जाने वाली द्रौपदी को दासी का कार्य करना पड़ा विराट के घर में। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा मित्रवर, कि लोग अपने अपने घरों में बैठे रहें, सारी चिंता छोड़ दें और प्रभु का चिंतन करें। कहीं न कहीं चिंतन करने से आत्मबल बढ़ेगा। ओम का नाद करें और गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। साथ ही यज्ञ करें, अपने अपने घरों में थोड़ा गाय माता के गोबर को जला करके घी की आहुति डालें, वनस्पतियों की आहुति डालें, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा प्रत्येक व्यक्तियों को कि गिलोय, तुलसी, नीम इत्यादि का सेवन करें, जावित्री इत्यादि का, और एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल करके जरूर पिए और लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी हमारा देश काफी हद तक बचा हुआ है। ब्रिटेन को देख लिया जाए और अमेरिका को देख लिया जाए, स्पेन, इटली इत्यादि को देख लिया जाए, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा यदि हमारे देश में कोरोना बढ़ता है तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, उतने वेंटिलेटर्स नहीं है, उतने अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध है। मित्रवर, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की स्वास्थ्य व्यवस्था को रखने वाला इटली आज घुटने टेक चुका है। तो यदि ये आंकड़ा बढ़ता है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मित्रवर, मैं आपके टीवी चैनल आईटीवी हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से जनमानस तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि कुछ दिनों के लिए आप लोग अज्ञातवास का पालन करिए। जैसे द्वापर में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास काट दिया, कहां महाराजा विराट के यहां 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा, तो आप लोग 1-2 महीने का अज्ञातवास नहीं काट सकते हैं? जरूर काटिए। अज्ञातवास आपके लिए आगे आने वाले समय में ज्ञातवास कहलाएगा, अशब्द हट जाएगा, आप जो है लोगों के ज्ञात में रहेंगे, अज्ञात नहीं हो जाएंगे। अगर आपने अज्ञातवास की इस घड़ी को ठुकरा दिया, बाहर निकले, कोरोना से पॉजिटिव हो गए, तो फिर आप जो है सदा सदा के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 महीने का अज्ञातवास और कहा गया है, इसको पालन करिए।
बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। पंडित जी, अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, अपने इस हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो भारत में इसके रोकथाम के लिए सभी गैर जो आवश्यक कार्य थे उन पर रोक लगा दी गई है और लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में बचाव के जितने भी इलाज संभव है वो प्रयास कर रहे हैं और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया है, इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 21 टीमों का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में फैले हुए कोरोना वायरस को बचाव के लिए लोगों तक जरूरी सामग्री को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम एक पहल कहें इसके लिए, क्योंकि इसके लिए आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं और कईयों पे कार्य भी चल रहा है, क्योंकि इसमें खासकर अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो जो आरएनए विषाणु है ये बड़ा घातक है और बड़ा नुकसान कर रहा है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि अगर कोरोना वायरस के जीनोम का आकार हम देख लें तो लगभग ये 27 से 34 किलो बेस तक इसका आकार होता है, और किसी भी, क्योंकि कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग में होना बहुत जरूरी है, कोशिश करें कि आप गलत हाथ में पहने, क्योंकि जो प्रथा हमारे हिंदुस्तान की रही है, इस भारतवर्ष की रही है कि नमस्कार करना, नमस्ते करना, हाथ मिलाने से परहेज करना है। कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं तो कोशिश है कि किसी सामान को उठा रहे हैं ग्लव्स को आप पहने, तो उससे आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। और आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो भी करें, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हो, मानक, इसमें यह भी देखने वाली बात है पंडित जी कि कुछ लोग हो सकता है कैपेबल ना हो सैनिटाइजर को खरीदने के लिए, तो साबुन सर्फ ले सकते हैं या कुछ सेकेंड तक या 1 मिनट तक कम से कम वो हाथ को अगर धोएं तो उससे भी काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। लोगों के पास आने से परहेज करें और केवल 3 मई तक की बात है, अगर इसका परहेज हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस महामारी की चपेट में आने से हम बचते हैं। पंडित डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि सैनिटाइजर, हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है पंडित जी। मेरी आवाज आपके यहाँ तक पहुंच रही कि नहीं? बिल्कुल पहुंच रही है, पहुंच रही है। आप आ रही है, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू बोलते रहिए पंडित जी, आवाज आ रही है आपकी? तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास तक। कोई नहीं, आप कंटिन्यू बोलिए, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है पंडित जी। वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस, जिसके कारण कई लोग, कई देश इसकी चपेट में आ गए और कोविड-19 इसका नाम WHO ने रखा है, इससे बचने की हमको आवश्यकता है। अगर चीन की बात करें हम तो कई तरीके के मामले सामने आए हैं और कई सारे लोगों ने अपनी जानों का, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही। पंडित जी, अगर आप तक आवाज आ रही तो कोशिश करिए आप कंटिन्यू इस पे अगर अपनी जो भी प्रतिक्रिया वो देना चाहे तो दे सकते हैं। पंडित शशिकांत दुबे जी, 31 दिसंबर को WHO को सूचित किया गया था चीन के द्वारा, क्योंकि रोग सूचक बीमारी से पहले कई सारी चीजें रही हैं इसमें। 8 दिसंबर की अगर हम बात करें, 3 सप्ताह पहले दिखाई दिया था कोरोना वायरस। 1 जनवरी 2020 को बाजार बंद कर दिया गया था जिन लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संकेत और लक्षण दिखाई दिए थे। मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल 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 बोलिए पंडित जी आप। मैं यह कहना चाहूंगा जी, जी, जी। आप पंडित जी कंटिन्यू, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो कंटिन्यू आप इसको बोल बताइए इसके बारे में। मैं यह कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि हम ऐसा कर्म ही ना करें या हमारे यहाँ की जनता कोई ऐसा कर्म ही ना करे कि सैनिटाइजर की जरूरत पड़े। जैसा कि आपने कहा कि कोई सक्षम नहीं है सैनिटाइजर लेने के लिए, तो जब घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो सैनिटाइजर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मित्रवर, अपने अपने कमरे में, अपने अपने घरों में कैद रहे लोग। और नहीं पंडित जी, ये भी है कि माना कोई लोग जैसे कभी पेपर, न्यूज़पेपर को छूता है या ग्रिल को छूता है, गेट को छूता है, तो ये तात्पर्य था कि कम से कम आप जब खाना खाएं कम से कम या घर के अंदर प्रवेश करें तो थोड़ा सा हाथ को अपना धो लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि बाहर जाने से ही संक्रमण हो। हो सकता है आप सब्जी खरीद रहे हो, आप राशन लाए हो, कोई बच्चे ने चिप्स के पैकेट के लिए जिद की हो, वो चिप्स का पैकेट कितने लोगों ने छुआ, तो तात्पर्य यह है कि लोगों को प्रिकॉशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि एक तो ऐसा घर के अंदर माहौल बनाएं कि अपने घर में जो 1 महीने पहले या कोरोना के आने से पूर्व जो उपयोगी वस्तुएं रखी थी
उन्हीं वस्तुओं से ही अपना जो है गुजर बसर करने का प्रयत्न करें, यदि बचना है तो, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं की यदि आवश्यकता पड़ती है, निहायत जरूरत पड़ती है कि अब उसके बिना, उस वस्तु अमुक वस्तु के बिना हमारे प्राण नहीं बचेंगे, हमको खरीदना है, हमको लेना ही है, तो जाएं तो बहुत सावधानी पूर्वक उस वस्तु को लें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करें और कोशिश ये करें कि जो वस्तु खरीदें वो पैक्ड वस्तु हो, पैकेट के ऊपर से ही उसमें फुहारे के माध्यम से सैनिटाइजर या अल्कोहल युक्त कोई ऐसी वस्तु का छिड़काव किया जाए कि जिससे वह वस्तु ऑटोमेटिकली क्वारंटाइन होकर के आपके पास तक पहुंचे। और समय समय पर अपने गेट पे, अपने ग्रिल पे और अपने दरवाजों पर सैनिटाइजर का छिड़काव इत्यादि किया जा सकता है। जिसके पास यदि सैनिटाइजर उपलब्ध ना हो मित्रवर, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह व्यक्ति सीधे सीधे साबुन का घोल या सर्फ का घोल बना करके थोड़ी देर तक अपने जो ग्रिल हैं, ग्रिल के हैंडल्स हैं और इनमें सर्फ का घोल लगा दे और उसको सूखने दे थोड़ी देर, दो तीन चार पांच मिनट के बाद उसको धो दे, तो ऐसे भी काफी हद तक प्रिकॉशन ली जा सकती है और इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम चीन के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 23 जनवरी 2020 को वुहान को अलग रखा गया, जिसमें वुहान के अंदर और बाहर सभी जो सार्वजनिक परिवहन थे उनको निलंबित कर दिया गया था, उनको बैन लगा दिया गया था। और 24 जनवरी के आसपास शहर में, वुहान की हम बात करते हैं, चबी की बात करते हैं, जियोम की बात करते हैं, झिजियांग की बात करते हैं, उनको भी अलग रखा गया था। और 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। इस प्रकार का आपातकाल अगर हम WHO की बात करते हैं, 2009 में भी इसको, अगर ये छठा आपातकाल है जिसमें इस तरीके की घटना हुई है। महामारियां कई बार फैली है, लेकिन अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं पंडित जी, 205 देशों में से 160 देश इसकी चपेट में है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर लोग अभी नहीं जागे तो ये बड़ी दिक्कत का विषय बनने वाला है, क्योंकि भारत देश के अंदर उतने संसाधन नहीं है। अगर हम फॉरेन की बात करें, वो लोग बहुत एडवांस है मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर यहाँ पे लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पंडित शशिकांत दुबे जी, देखिए आदरणीय डॉक्टर काला साहब, इस समस्या का हाथों में है, हमारी मुट्ठी में है, हमारी मुट्ठी में इस समस्या का समाधान है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है हमारे भारत में कि उतने संसाधन नहीं है। मैं आपकी बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे देश में इतने संसाधन नहीं है कि इस महामारी के ऊपर हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा सके। इसलिए समस्या का समाधान भी हम ही है और समस्या की जड़ भी हम ही है। कैसे? यदि हम बाहर निकलेंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे, तो समस्या को हम स्वयं निमंत्रण देकर के आ बैल मुझे मार की घटना जो है कहानी चरितार्थ होगी। तो इसके समस्या की जड़ भी हम ही आप लोग हैं, हमारे यहाँ की जनता है, और समस्या की औषधि भी हमारे आपके हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। तो हम आप अपने स्वविवेक का उपयोग करें। विवेक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर आहार निद्रा भय मैथुनम च एक समाना पशुभिर नराणाम एको विशेषो। तो आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि ये तब ये पशुओं में और मनुष्यों में एक समान होते हैं, किंतु विवेक नाम का एक जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा तोहफा है हमारे आपके मनुष्यों के बीच में, मस्तिष्क में, तो इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विवेक के माध्यम से विवेकहीना पशु भी समाना विवेक का इस्तेमाल करें और जो भी गाइडलाइन दी जा रही है सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है,
उसका यथावत पालन करें, और नहीं तो इस महामारी से कोई नहीं बचा सकता। भगवान से पार्वती जी ने जब प्रश्न किया था उसी समय कि भगवान ने कहा कि जान गरल जे संग्रह करही उमा कहीं ते कस न मरही। जानबूझ करके यदि कोई व्यक्ति विष का पान करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है मित्रवर। इसलिए जो जानबूझ करके इस कोरोना नामक वायरस को निमंत्रण देने के लिए बाहर जाएगा और उसको विधिवत इनविटेशन कार्ड दे करके और अपने गले में मुख में नाक में चिपका करके अपने घर में ले आएगा, उसका प्रसाद कोरोना नामक वायरस का प्रसाद घर वालों को भी बांटेगा, पड़ोसियों को बांटेगा, इसके बाद में पूरा ग्राम नगर शहर पूरा राष्ट्र जो है खंड हो जाएगा। तो इसलिए और मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे जमाती भाइयों ने एकत्रित होकर के जो कोरोना का प्रसाद जो है ये फातिया का प्रसाद ले जा करके जगह जगह बांटने का काम किया है, इस पे तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। और उनको अभी भी कुछ ऐसे भाई हैं जो कि जगह जगह छिपे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रों बचा लो अपने देश को, बचा लो अपने राष्ट्र को, बचा लो अपने यहाँ के। पंडित जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय दिया। और कोरोना वायरस खासकर हम कहें तो निमोनिया से इसके सिम्टम्स मिलते हैं, अज्ञात कारण के निमोनिया के साथ मामलों के उद्घाटन क्लस्टर के रूप में एक थोक पशु और मछली बाजार से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें मुर्गियां, तीतर, चमगादड़, ऐसे विषैले सांप जो है, चित्तेदार हिरणों की अगर बात करते हैं, खरगोश की बात करते हैं, उनके जो अंग है, ऐसे जानवरों से ये बीमारी निकल के आई। तत्कालीन परिकल्पना यह थी कि एक पशु स्रोत यानी जिसको हम जुनोसिरिस से आया हुआ नोवेल कोरोना वायरस था, ये जो कोरोना है ये इतना गंभीर रूप ले चुका है, जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि अगर लोग घर में नहीं रहे तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, उनको कुछ समय के लिए कम से कम 3 मई तक के लिए अज्ञात वास पे जाना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने आने वाली नस्ल, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। और आई टीवी हिंदुस्तान ये जरूर कहना चाहता है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया, उसका पालन करिए, सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए और देखते रहिए आईटी हिंदुस्तान। नमस्कार।